तो भाई आज का जो मैच है ना, इसमें यार मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी बंदे कम हो रहे थे जब हम नीचे उतरे, तो यार मुझे यहाँ पर शक हो रहा था कि यहाँ पर भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है दया। तो यहाँ पर भाई बाद में पता चलता कि यहाँ पर भाई कोई हैकर साहब आए हैं, और भाई उन हैकर साहब का यहाँ पर मैं नाम नहीं ले सकता, नाम क्या कह रहा हूँ मैं, तो नाम इसलिए नहीं ले सकता यार उनका नाम ही इतना यहाँ पर साफ सुथरा होता, तो यार मतलब उसके बाद में जा करके उस हैकर और मेरी टक्कर होती है, तो जब टक्कर होती है तो यार उसके बाद क्या होता है वो सब सीन हम आगे देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर भाई AWM के भी सीन होंगे, यहाँ पर भाई AWM के दे पटके पे पटके इस मैच में आपको देखने मिलेगा। तो यार कुल मिलाकर के यार यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बड़े भाइयों और उनके छोटे बहनों कैसी हो, स्वागत करता हूँ आज आपका एक और BGMI के गेम प्ले वीडियो में, जहाँ पर मैं करता हूँ अपनी घसी बेटी कमेंट्री और आप लोगों को देखने के लिए मिलता है इसके साथ साथ एक बहुत ही नकली सा एंटरटेनमेंट। अब भाई यहाँ पर नीचे उतरता हूँ, सीधा लूट करता हूँ, जितने में भाई लूट कर ही रहा होता हूँ कि यहाँ पर भाई 3 नंबर की पेटी बन जाती है। लेकिन भाई यहाँ पर मतलब 1 नंबर ने सिचुएशन को कंट्रोल रखा था जब तक मैं यहाँ पर लूट कर रहा था, और उसके बाद जब यहाँ पर मेरी लूट हो जाती है तो भाई मैं सीधा लिफ्ट पकड़ता हूँ और छत पर जाता हूँ। जैसे ही छत पर जाता हूँ तो भाई मुझे ऊपर की तरफ एक बंदा दिखता है। अब भाई यहाँ पर छत पे उतरे तो बहुत सारे बंदे थे, लेकिन यार यहाँ पर मैं इसलिए इतने ज़्यादा टेंशन में नहीं था क्योंकि यार मैं इस गेम प्ले को ना यार मतलब डालने नहीं वाला था, तो इसलिए यार मैं एकदम रिलैक्स मूड में खेल रहा था। लेकिन बाद में यार जब ऐसे ऐसे सीन होने लग गए ना, तो यार मुझे लगा कि इस गेम प्ले को डालना चाहिए, तो यार इसलिए यहाँ पर मैं छत पर ज़्यादा बंदों को लपेट नहीं पाया। खैर आगे की बात करते हैं, तो यार मुझे आगे मतलब दूर ना एक बंदा मतलब दिखता है जो कि मतलब पता नहीं क्या ही कर रहा होता है, तो देखो उसको मतलब कैसे लपेटते हैं। अब तुम यहाँ पर जो ये गोली चलने का साइन देख पा रहे हो ना मैप में, ये मतलब वही हैकर था मेरे ख्याल से। तो भाई इसकी तो यहाँ पर पेटी बना दी, और इसकी पेटी बनाने के बाद यहाँ पर मैं जो आपको नाम स्क्रीन पे अभी दिखा रहा हूँ ना, जो कि बार बार किल फील्ड में आ रहा है, उसको यहाँ पर तुम भाई अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये नाम मैं ले नहीं पाऊंगा, ये नाम इतना ज्यादा साफ सुथरा है, क्योंकि भाई दूसरों का भी यहाँ पर ख्याल रखना पड़ता है। और उसके बाद भाई अपार्टमेंट की तरफ से ना मतलब बार बार गोली चलने की आवाज आ रही थी, और वही वो हैकर था जो कि मतलब वहीं पर बैठा था। और उसके बाद जब गोली चलने की आवाज आ रही थी तो मैंने सोचा वहां पर जाना पड़ेगा, और जब मैं वहां पर जा रहा था तो रास्ते में एक बॉर्ड भैया मिलता है, तो भाई बॉर्ड भैया की पेटी बना देते हैं। और उसके बाद भाई मैं अपार्टमेंट की तरफ बढ़ता हूँ, और जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर घुसता हूँ ना, तो भाई मेरे को एक ऑफलाइन बंदा दिखता, तो यार उसकी पेटी बनाते हैं, देखो यार ये तो ऑफलाइन था। तो भाई इसके यहाँ पर फ्री फंड में पेटी बनाने के बाद हमारे 1 नंबर भैया हमारे को यहाँ पर कुछ बताते हैं, और भाई अभी तक हमारे को ये नहीं पता था कि भाई आगे एक बंदा हैकर भी है। इस वाले में बंदे हैं एक, ये तो भाई जैसे कि आपने यहाँ पर सुना कि भाई आगे की तरफ एक या दो बंदे, तो यहाँ पर भाई मुझे छत पे बंदे दिखते, तो यहाँ पर मैं उनके ऊपर नेड करता, तो उसके बाद क्या होता है देखो यार। अब ये सस्ता हैकर था कि महंगा हैकर था भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि यार ये हमारी पेटी आराम से बना सकता था, पर ये हमसे शायद मजे लेने में लगा था, पर ये इसके जो मजे है ना वो आगे जाकर के शायद इसी के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। खैर वो सब सीन हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के ये सीन हो तो यहाँ पर मैं एक और नेड करता हूँ, तो देखो क्या होता है। अब यहाँ पर मेरे नेड बार बार फेल हो जा रहे थे भाई, एक भी नेड नहीं लग रहा था, और भाई लगता भी कैसे वो मेरे नेड थे। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर भाई मुझे आगे की तरफ ना वो बंदा मतलब छत के कॉर्नर पे दिखता है, तो उसके बाद एकदम ना मैं नेड को टिका के मारता हूँ, लेकिन उसके बाद जैसे ही मार रहा होता कि भाई मुझे फायरिंग पड़ जाती है, तो मुझे हटना पड़ता है, और भाई नेड देखो कहाँ पर फटता है देखो। अगर यहाँ पर भाई मेरे को उल्टी फायरिंग नहीं पड़ती ना, तो सही बता रहा हूँ कि मैं अपने नेड से इसकी यहाँ पर पेटी बना जाता। हाँ मुझे पता है यहाँ पर मैं बहाना बना रहा हूँ, चलो छोड़ा आगे की बात करते हैं। तो आगे का ये सीन होता है कि इसके बाद जब तक यहाँ पर ये लड़ाई चली रही होती है कि यहाँ पर एक बग्गी वाले भाई साहब आ जाते हैं, और ये हैकर उनकी बेरहमी से पेटी बना देता है। यहाँ पर आप किल फील्ड में उनका नाम देख भी पा रहे होंगे, और उसके बाद यहाँ पर मैं वापस खिड़की पे आता हूँ, और जैसे खिड़की पे आता हूँ कि भाई ये जो हैकर है ना एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में अपने छत से कूदता है, और भाई 1 नंबर को सीधा हवा हवा में ही नॉकआउट कर देता है, और उसके बाद भाई यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर देता है जिसका मैं फायदा उठाता हूँ। तो देखो यार अब यहाँ पर जब मैं इस बंदे की पेटी बना रहा होता हूँ ना, तो आपने यहाँ पर माइनर सेकंड का एक छोटा सा मतलब एक देखा होगा कि ये बंदा ना मतलब थोड़ा बहुत टेलीपोर्ट भी हुआ था 1 सेकंड के लिए। और यहाँ पर भाई मैं इनकी पेटी इसलिए भी बना पाया क्योंकि यार यहाँ पर मतलब मेरे को 2 अच्छी वजह मिल गई थी। पहले तो ये जब कूद रहा था तो भाई कूदते कूदते इसका पूरा फोकस 1 नंबर की तरफ था, और जैसे ही बंदा नीचे कूदता है तो भाई 1-2 सेकंड के लिए भाई वो जमीन पे हाथ तो रखता ही है, तो यहाँ पर भाई मुझे वही मौका मिल गया, और मैंने फटाक से भाई दोनों की यहाँ पर सीधा M249 से पेटी बना दी, तो भाई मतलब मजा ही आ गया यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर भाई लूट करते हैं, और लूट करने के बाद भाई हम बग्गी पकड़ते हैं और सीधा आगे की तरफ निकल जाते हैं। और जैसे भाई पोचक्की की तरफ मतलब जा ही रहे होते हैं कि वहां पर भाई एक बंदा सीधा पैराशूट से लैंड करते हुए दिखता है, तो उसके बाद मतलब देखो हमारे बंदे यहाँ पर कितने ज्यादा खुश हो जाते हैं, सुनो तुम भी। हाँ हाँ भाई हमें भी यहाँ पर दिख गया कि बंदा पैराशूट से उतरा है। अब यहाँ पर इतना ढिंडोरा पीटने वाली बात क्या है, अब यहाँ पर भाई हमारे को ज्ञान पिला जाएगा कि आखिरकार बंदा है कहाँ, तुम भी सुनो।
सामने बुलू वाले घर में, सामने बुलू वाले घर में। तो भाई जैसे कि तुमने यहाँ पर सुनी लिया कि भाई बुलू वाले घर में बंदा है, तो यहाँ पर भाई अब हमारे को अपना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, तो सीधा हम अंदर की तरफ घुसते हैं, तो देखो क्या होता है। अब इसको यहाँ पर नॉकआउट करता हूँ, उसके बाद इसकी पेटी नहीं बनाता हूँ, क्योंकि यार मुझे लगता है शायद इसके बंदे आ जाएं, क्या पता। इसके हाव भाव देख करके लग नहीं रहा था कि यार इसके बंदे यहाँ पर आने वाले, तो यहाँ पर भाई तुम्हारे भाई ने सीधा इसकी खोपड़िया में पित्तल भर दिया और इसके यहाँ पर पेटी बना दिया, और इसकी पेटी में से भाई मेरे को इतने सारे सिक्के यहाँ पर मिल जाते हैं कि यहाँ पर भाई तुम्हारा भाई इतना ज्यादा अमीर हो जाता है कि यहाँ पर भाई सीधा मतलब कैप्सूल मंगाता है, और कैप्सूल में भाई AWM और ग्रोजा दोनों ही मंगा लेता है। और इतने में जब मैं कैप्सूल को लूट ही रहा होता हूँ कि भाई आगे से ना एक गाड़ी के आने की आवाज आती है, जिसमें पूरे के पूरे चार बंदे होते हैं, और भाई दो बंदे मतलब पता नहीं क्यों रास्ते में बीच में उतर जाते हैं, जिसका मैं फायदा उठाता हूँ। देखो अब यहाँ पर भाई तुम्हें ग्रोजा की पावर तो पता ही है, तो यहाँ पर भाई जैसे तैसे दो बंदों को बैठा दिया, और उसके बाद यहाँ पर भाई इनके दो बंदे वॉल के पीछे होते हैं, तो मैं फायरिंग देता हूँ। अब थोड़ा बहुत डैमेज देने के बाद मैंने सोचा कि चलो यार एक नेट टॉस करके देखा जाए, क्या पता कुछ हो ही जाए। भाई आप इधर कवर में आ जाओ। अब नेट से तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाई यहाँ पर ग्रोजा के बुलेट्स कम हो रही थी, तो मैं पीछे की तरफ लूटने जाता हूँ। अब जितने में मैं यहाँ पर लूट रहा हूँ, तो कि भाई यहाँ पर एक नंबर इनको होल्ड करके रखता है, और भाई एक बंदा सीधा एक नंबर के ऊपर चढ़ जाता है, तो भाई ना चाहते हुए भी एक नंबर को उसकी पेटी बनानी पड़ती है, और इतने में भाई एक बंदा मेरे को रास्ते में भागते हुए दिखता है, तो देखो उसको कैसे लपेटते हैं। अब यहाँ पर भाई मेरे हाथ में भाई ग्रोजा है, कोई गाजर मूली नहीं है जिसको तुम यहाँ पर हल्के में ले लो, तो यहाँ पर भाई इस बंदे ने हल्के में लिया और इसकी यहाँ पर सीधा पेटी बना दी। और भाई अब यहाँ पर तुम लाइक का बटन को दबा सकते हो जो कि वीडियो के नीचे ही है, और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और भाई बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबा देना, तभी तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिलेगी। और भाई यहाँ पर मेरी 9 किल नहीं 10 किल मानी जाए, क्योंकि यार यहाँ पर मेरी किल एक जो है एक नंबर ले गया, अब क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पर मेरी मजबूरी थी, तो यहाँ पर भाई मेरी 10 किल मानना। अब आगे के ये सीन होता है, इसके बाद हम यहाँ से भाई गाड़ी को लेकर के निकल जाते हैं, और भाई कोई क्वारी करके जगह का नाम होता है वहां पर सीधा अपनी गाड़ी को ठोक देते हैं, और उसके बाद भाई जंगल झाड़ी में मुझे मतलब आगे की तरफ एक और गाड़ी दिखती है, और उसके बाद भाई इतने में एक नंबर को कोई लपेट जाता, तो देखो फिर क्या होता है। अरे ये कहां से आ गया भाई नंबर 2, देख के देख के देख के गुंडे वहां पे पता नहीं चल रहा है मेरे। यहाँ पर मैं एकदम सही मौके पर पहुंच गया, और ये लोहे की टीन लगा करके भाई एक नंबर को बचा लिया, वरना उसकी पेटी बनते टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। अब आगे का ये सीन होता है, एक नंबर कहता है यहाँ पर भाई स्मोक कर दो, तो मैंने कहा कि जब हाथ में AWM है तो डरने की क्या जरूरत भाई, स्मोक कर दो या मैं कवर में चला जाऊंगा। अब इसको नॉकआउट करने के बाद मैं अपनी पोजीशन को चेंज करता हूँ, और भाई आगे की तरफ इसका एक और बंदा दिखता है, और यहाँ पर भाई डेटॉल वाले सीन हो जाते हैं 99.9% फिर से, क्योंकि यहाँ पर सारा डैमेज मैं देता हूँ और भाई किल कोई और ले जाता है। देखो यार यहाँ पर क्या सीन होते हैं। आंखों के सामने जब तुम इतना डैमेज दो ना, उसके बाद भी तुम्हें उसकी किल ना मिले, उसके बाद जो तुम्हारी जलती है ना, तो तुम मुझसे पूछो कि कैसा लगता है। खैर अब क्या ही कर सकते हैं। अब आगे का ये सीन होता है कि भाई मेरे को यहाँ पर एक किल मिली नहीं होती, जिसको मैं नॉकआउट करता हूँ, याद है ना तुम्हें AWM वाला, तो वो मुझे फिर से दिखता, तो देखो उसको कैसे लपेटते हैं। तो अब इस बंदे की पेटी बनाने के बाद AWM से मैं तुमसे कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर लाइक का बटन दबा देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस याद दिला रहा था। और भाई यहाँ पर तुम मेरी 11 किल मानना, 10 किल मत मानना, क्योंकि यार तुम्हें भी पता है उस बंदे को यहाँ पर मैंने लपेटा था। खैर अगर तुमने अभी भी लाइक का बटन और सब्सक्राइब नहीं किया, तो चलो तुम्हें अब ऐसे सीन दिखाता हूँ कि उसके बाद तुम जरूर के जरूर करोगे। अब आगे का ये सीन होता है कि आगे से एक गाड़ी जा रही होती है, और उसके बाद भाई तुम्हारा भाई ऐसा AWM का पटका देता है कि यार तुम्हें भी मजा आ जाएगा देख करके। देखो जरा तो भाई यहाँ पर सीधा चलती गाड़ी से बंदे को यहाँ पर उतार दिया। तो यार मतलब इस सीन को देखने के बाद अगर तुमने लाइक का बटन नहीं दबाया ना और सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार मतलब क्या ही बताओ, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ढीठ हो, तो ढीठ मत बनो, थोड़े नरम बनो, और यार मतलब दबा दो सब्सक्राइब का बटन। अब आगे का ये सीन होता है कि इसके बाद भाई ये लोग आगे जा करके गाड़ी को रोकते हैं, जो उनके बाकी बंदे होते हैं जंगल झाड़ी में, और उसके बाद भाई जब मैं आगे की तरफ जा रहा होता हूँ, तो भाई मेरे को बंदे भागते हुए दिखते हैं, मतलब इधर उधर छुप रहे होते हैं, तो देखो यहाँ पर कैसे लपेटते हैं। और यहाँ पर भाई मेरे टीममेट्स को तो बंदे दिख ही नहीं रहे होते हैं, देखना। यहाँ पर पीक किया और सीधा AWM से पित्तल भर दिया उसके मुंडी में। अब आगे की तरफ मेरे को एक और बंदा दिखता है। मेरे को बंदे नहीं दिख रहे हैं, आप लोग कर रहे हो।
तो जैसे कि आपने यहाँ पर सुना कि भाई नंबर एक भैया कह रहे हैं यहाँ पर हमारे को बंदा दिखे नहीं रहे, तो मैंने कहा कि भाई अपने आंखों पे जरा एटैक्स का चश्मा लगाओ तो शायद बंदे दिखना शुरू हो जाए। और उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और आगे की तरफ भाई वो जो बंदा नॉकआउट किया था उसको मतलब पेटी बनाने जाता हूँ। और भाई इतने में उसका जो आखिरी बंदा होता है ना वो अपनी जान बचाने के लिए सीधा गाड़ी में बैठता है और भाग लेता है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मैं उस बंदे की पेटी बनाता हूँ, देखो। तो इसके यहाँ पर पेटी बनाने के बाद भाई जो इनका बंदा गाड़ी लेकर के नीचे की तरफ गया था वो भी मुझे दिखता, तो भाई उसकी जैसी पेटी बनेगी ना तुम लाइक का बटन को दबा देना और सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि यार इनकी यहाँ पर स्क्वाड वाइप हो जाएगी, देखो। तो भाई ये सीन देखने के बाद मैं आशा करता हूँ कि तुमने अभी तक लाइक का बटन दबा दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और बेल आइकन को भी ऑल पे दबा दिया होगा। इसके बाद भाई ये सीन होता है कि हम ऐसे गाड़ी को लेकर के भाई जो उनकी तरफ निकल जाते हैं और भाई आगे की तरफ गोली चलने की आवाज़ आती है, तो भाई हम वहाँ पर सीधा अपनी गाड़ी को ठोकते हैं और देखने लग जाते हैं कि बंदे कहाँ पर है। और इतने में भाई हमारे एक नंबर भैया हमारे से कुछ पूछते हैं, तो सुनो यार। तो भाई यहाँ पर सवाल है कि भाई यहाँ पर किधर है बंदे, तो यहाँ पर भाई तुम भी नोट कर लो, यहाँ पर मैं बताता हूँ बंदे का है, उनका एड्रेस देता हूँ ना मैं तुम्हें। तो उनका एड्रेस ये है कि भाई गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली गोरेगांव ईस्ट, ठीक है, इसे अच्छे से याद रखना, वहीं पर है बंदे। खैर इसके बाद मुझे आगे की तरफ एक बंदा दिखता है जो कि भाई ब्रोकन वॉल के पीछे लेटा होता है और सांप बन जाता है, तो देखना उसको कैसे लपेटेंगे। अब यहाँ पर एक नंबर का प्लान सुनो, मैं बंदे के सामने इमोट करता हूँ, आप मार देना। तो मैंने इस बात पर यह कहा कि भाई यहाँ पर मतलब तुम हुला हू डांस करो ना जो कि गोवा और भाई हवाई में करते हैं, मतलब ऐसा होता है ना डांस, तुम्हें पता होगा वरना तुम सर्च मार लेना। अब आगे के ये सीन होता है कि भाई मेरे को जोन के किनारे पे ना एक और सांप दिखता है, तो मतलब यार सब लोग सांप ही सांप बन जाते हैं जब जोन का एंड आता है, सही बात है यार, देखो तुम। तो यहाँ पर भाई AWM की दूसरी गोली लगी और यहाँ पर सीधा पेटी बन गई। अब यहाँ पर भाई मैंने ना सभी को यहाँ पर समझा दिया था जितने भी बंदे यहाँ पर है भाई, तीन नंबर दो नंबर एक नंबर, कि भाई यहाँ पर अब मैं इसको गेम प्ले में डालने वाला हूँ तो यार यहाँ पर मेरी किल मत कम करना। लेकिन ये जो दो नंबर है ना भाई ये रैंडम बंदा होता तो यार यहाँ पर ये बात सुन ही नहीं रहा होता, तो इसके क्या सीन होते हैं वो आगे देखेंगे। तो यार यहाँ पर जोन छोटा हो रहा था तो यहाँ पर मैं जोन में जाता हूँ और भाई ये जो घर आप देख पा रहे हैं इस घर में घुसता हूँ और उसके बाद यहाँ पर छपड़े पर चढ़ जाता हूँ। और छपड़े पर चढ़ने के बाद भाई आगे की तरफ एक बंदा दिखता, तो देखो फिर क्या होता है। अब यहाँ पर यह शॉट क्यों नहीं लगा भाई, मेरे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझ आया। खैर यहाँ पर भाई अब 99.9% डेटॉल वाले सीन फिर से हो जाता है कि यहाँ पर सारा डैमेज मैंने दिया और भाई यहाँ पर नॉकआउट कोई और कर जाता है, देखो यार। एक परी इतनी मुश्किल से यहाँ पर एडोल का एक पटका मारा, उसके बाद यहाँ पर एक नंबर ने मजे में गोली चलाई और सीधा नॉकआउट उसके खाते में, कैसे? ठीक है मैं नहीं मारता इसको क्योंकि ये मेरे को दिख रही है बहुत अच्छे से, बस इसका हेड ही दिख रहा है। यहाँ पर मैंने 10 लीटर बॉर्नविटा पिया और उसके बाद भाई एक नंबर को समझाया कि यहाँ पर भाई उस बंदे की यहाँ पर पेटी मत बनाना ताकि वो रिवाइव हो जाए और मैं उसकी पेटी बना सकूँ, कि हमारे दो नंबर इतने ज्यादा महान भैया कि उन्होंने किसी और को नॉकआउट कर दिया और यहाँ पर भाई मेरा काम बिगड़ते हुए और यहाँ पर मेरी कितनी जल गई थी, मतलब तुम यहाँ पर समझ सकते हो। और उसके बाद भाई जो था सो था, अब आखिरी बंदों की कैसे पेटी बनती है देखो यार। तो इसके बाद भाई यहाँ पर थोड़े दुखी मन के साथ, लेकिन यहाँ पर भाई कुल मिलाकर के मुर्गी मुर्गी डिनर हमारा हो ही जाता है। तो यार अब मतलब क्या ही बताऊँ, थोड़े मजे भी आए लेकिन यहाँ पर भाई थोड़ी किल बहुत कम भी हो गई, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत दुख भी हुआ। तो इसी के साथ साथ अब मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि भाई यहाँ पर जो मेरी थोड़ी बहुत किल कम हुई ना थंबनेल पे देखना यार, मतलब उसको भी यहाँ पर मैं बढ़ा करके लिखूंगा और तुमको उसको मानना भी पड़ेगा क्योंकि यार तुम्हें भी पता है कि यार मेरी वो किल मतलब मेरी ही थी और किसी की नहीं थी, तो मैं कैसे ना लिखूं। और यहाँ पर मुझे भी पता तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगे, तो यार मतलब यहाँ पर अब मजे आ गए वीडियो को, तो खत्म करने का वक्त आ गया है, खत्म करें क्या, करते हैं ना। तो अगली वीडियो में मिलेंगे ना, जरूर मिलेंगे। तो यार मतलब कुल मिलाकर के अब मैं तुमसे क्या ही कहूं, अब मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, टाटा सायोनारा बाय बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you.